देखें ये सारे कपड़े जो है ना ये शाल के हैं, इसमें कुछ छोटे हैं बड़े हैं, तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, सीजन वाइज वैसे भी कपड़े जो है थोड़ी सेटिंग चेंज करनी थी, तो अब इसके जितने भी छोटे हैं या इस तरह के कपड़े वो मैं साइड पे निकाल दूंगी, छोटे कपड़े जो हैं वो साइड पे रख दूंगी या किसी को दे दूंगी, और बाकी जितने भी इसके पहनने वाले हैं वो सारे इसके कबर्ड में सेट करके रखूंगी। और ये शाल का कबर्ड है, जैसे मेरी सारी जो वार्डरोब है ना सही करने वाली हुई है, कुछ अरसे बाद जो है ना वो मेंटेनेंस मांगती है। और ये देखिए ऊपर वाले भी जो है वो मेस क्रिएट हुआ है सारा, नीचे ये सारे में बिस्तर बेड शीट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, ये भी थोड़ा सा सेट करना है। वैसे सबसे पहले मैं शाल का, आज मैंने शुरुआत की है शाल के कबर्ड से, एक बार आप शुरू हो ना तो फिर सब हो जाता है, बस करते करते लेजीनेस आ जाती है। ये देखें सारे शाल के कपड़े मैंने रख दिए हैं। और अच्छा, बच्चों के कपड़े रखना बहुत मुश्किल होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा तय करके रख लेना तो याद भी नहीं रहता कि ये हमने पहनाने ये कौन से नहीं पहनाने। तो ये जो है ना ये सारी इसकी टाइट्स रखी हैं, ये सारी पेंट्स वगैरह हैं, और यहाँ पर जो सारी शर्ट्स हैं फुल स्लीव्स वाली, ठीक है, और यहाँ पर कुछ हाफ स्लीव्स वाली शर्ट्स हैं, और ये सारी ना इस तरह से रखा है, लेकिन पता नहीं ये दो दिन ऐसा रहेगा फिर ख़राब हो जाता है, आई डोंट नो वाई, वार्डरोब क्यों नहीं सही रहता मुझे समझ नहीं आती। तो बस फ़िलहाल तो शाल का हमने सेट करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ वड्डी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वड्डी सी रेसिपी मीन्स कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे पहले मैं बनाती रहती हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। दरअसल मेरे हस्बैंड जो है उनकी फैक्ट्री में, उन्होंने अपने वर्कर्स को खाना खिलाना था, किसी मीन्स के पता नहीं क्यों खिलाना था, अब ये मुझे नहीं पता, तो उन्होंने कहा था कि बिरयानी बना कर दो। वैसे तो मैं बिरयानी बना कर देती रहती हूँ लेकिन आज जो है वो थोड़ी ज़्यादा बनानी थी। तो अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है कि 3.5 किलो चावल लिए थे और 4 kg चिकन था और 1.5 किलो प्याज था और 1.5 किलो ही टमाटर था, ठीक है। सबसे पहले मैंने चिकन को जो है ना वो फ्राई कर लिया, इससे ये होता है कि चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और दूसरा इसमें मैंने जो फूड कलर डाला है ना इससे कलर बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त आता है। अच्छा, फ्राई आपने इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि सारा चिकन जो है वो यहीं पे गल जाए, बस आपने क्या करना है कि जब ऑयल ज़्यादा अच्छा तेज़ सही से गर्म होना उसमें आपने चिकन डालना है और उस पर फूड कलर डालना है, को 1.5 से 2 मिनट आपने पका के चिकन को जो है ना वो वापस बाहर निकाल देना है ऑयल से। अच्छा, चिकन को इस तरह फ्राई करने से ना सबसे मुझे जो एडवांटेज लगा ना वो ये होता है कि इसका जो पानी होता है ना वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, और वैसे भी बिरयानी मसाला जो होता है ना वो खुश अच्छा रहता है, तो जब आप इसको डालेंगे ना मसाले में, पहले मसाले का पानी भी आपने अच्छे से ड्राई करना है और फिर ड्राई में ही आपने चिकन में डालना है, तो चिकन ये मज़ीद अपना पानी नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपने इसको फ्राई किया होगा। अच्छा, फ्राई करके मैं इसे बाउल में निकाल रही थी लेकिन लास्ट में मैंने सारा बाउल वाला चिकन भी जो है ना वो दोबारा देचके में डाल दिया था फ्लेम ऑफ करके, क्योंकि ज़्यादा था तो इसमें पूरा नहीं आ रहा था। मैं कराची की शादियाँ बहुत मिस करती हूँ सिर्फ और सिर्फ बिरयानी की वजह से। यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं ना, जितने भी डिशेस हो जाएं, चाहे आप 5, 6, 10 जितनी भी डिशेस रख लेना, लेकिन वो कराची वाली जो बिरयानी है ना वो नहीं होती। अच्छा, अब जब अनियन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, ठीक है, और इस जब लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए तो उसमें आपने टमाटर डाल देने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको मैंने अच्छे से जो है ना इसका पानी खुश करना है। ये देखें, ये मैंने होल स्पाइसेस जितने भी गर्म मसाले थे वो डाल दिए हैं, और कुटी हुई लाल मिर्च अगर आप डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। और मेरे हस्बैंड का कहना था कि बिरयानी जो है वो स्पाइसी होनी चाहिए, और वाकई वो सही वाली स्पाइसी बनी थी। और ये देखिए, अब सारा चिकन मैंने जो है वो इसमें डाल दूंगी मसाले में, लेकिन सबसे पहले मैंने इसका अच्छे से पानी खुश करना है, जितना ड्राई ड्राई मसाला होगा ना। ये टिप जो है ना ये मेरी अम्मी की है, क्योंकि मैंने बिरयानी बनाना अपनी अम्मी से ही सीखा है, लेकिन मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी का टेस्ट मेरे हाथ में भी नहीं है। अच्छा, सारा चिकन मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है, अब मैं इसको भूनूंगी, और ना थोड़े से मतलब कोई 2-5 मिनट बस भूनने के बाद ना इसमें मैं बिरयानी मसाला जो है ना वो 2 डब्बे ऐड कर दूंगी शान के। ये शान के 2 डब्बे ऐड करने हैं आपने शान से, सही है ना। वैसे कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये बिरयानी है ये किसकी इजाद है, किसकी इन्वेंशन है, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इसकी हिस्ट्री के बारे में। और जी, ये देखिए मेरा ज़बरदस्त सा बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी हो गया था, और अब साथ साथ मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया था, और जब पानी जैसे ही बॉईल हुआ उसमें मैंने जो है ना वो थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला
और हरी मिर्चें 3-4 काट के डालें, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। और पुदीना, ठीक है, ये देखिए ये। फिर उसके बाद कच्चे कच्चे चावल निचोड़ें, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी है ना तो आप अच्छे खासे कच्चे चावल निचोड़ लिया करें, 2 करनी चाहे। उससे ये होता है कि जब आप तह लगाते ना तो नीचे आपने क्या करना है, पतीली में पहले 1 से 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया था, उसके ऊपर मैंने तह लगा दी थी और फिर ये ज़रदा रंग डाल दिया था। उससे क्या था कि जब पानी गर्म होता है ना तो फिर चावलों पे भाप जो है ना, स्टीम बहुत ज़बरदस्त आती है। ये देखिए मेरी ज़बरदस्त बिरयानी जो है वो अब रेडी हो गई थी। और अब इशाल के बाबा जो है ना बस इसको तय कर रहे थे, चंगी तरह कूट कट के बन लिए इसको और फिर इसको लेके जा रहे थे। इनको मैंने कहा था कि इसकी ज़रूर वीडियो बनाइएगा जब आप इसको सर्व करने लगे। वैसे तो बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है पहले काफ़ी दफ़ा, लेकिन इस तरह चिकन बिरयानी की रेसिपी मैंने खुद जो बनाई आज थिंक मैंने फर्स्ट टाइम शेयर की है। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी कीजिएगा, और कोई नई टिप हो तो वो भी शेयर कीजिएगा कमेंट में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखिएगा याद, फी अमानिल्लाह, बाय बाय।